बिहार में बागेश्वर बाबा के दरबार का चौथा दिन है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नौबतपुर के तरेल पाली में हनुमंत कथा सुना रहे हैं। बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ है। नजर जहां तक जाए वहां तक भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार बागेश्वर बाबा को सुनने के लिए लोग दूर दूर इलाकों से यहाँ पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंच रही हैं। इसी बीच बागेश्वर बाबा ने बिहार में भी अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को दोहराया है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बिहार से ही हमारा हिंदू राष्ट्र वाला संकल्प पूरा होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये चौथा दिन है इस कथा का, कल आखिरी दिन होगा और हिंदू राष्ट्र के संकल्प को एक बार फिर बाबा ने अपने इस दरबार में दोहराया। भीड़ इतनी ज्यादा है, हर जगह से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि कई अलग अलग राज्यों से, फिर चाहे वो उड़ीसा हो, असम हो, इन तमाम राज्यों से लोग धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। दिव्य दरबार की तस्वीरें आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। दूर दूर तक लोग बैठे हैं, गर्मी का मौसम है लेकिन उसके बावजूद लोगों का बाबा के प्रति ये उत्साह कम नहीं हो रहा। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, भारी भीड़ है, कई लोगों को अंदर जाने की जगह तक नहीं मिल पा रही है लेकिन उसके बावजूद लोग हैं कि वापस जाने को तैयार नहीं, सड़क पर जाम लग रहा है। बाबा बागेश्वर ने अपने अनोखे अंदाज में बताया कि उनके मना करने के बाद भी लोगों का दिल नहीं मान रहा और वो कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में पंडाल में आए हुए हैं। वहीं बिहार में बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बिहार के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ जिस दिन तिलक लगाकर चलने लगेंगे उस दिन ही देश हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ जाएगा। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग, और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है, हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें धर्म द्वंद्व में पाड़ना चाहते हैं या डालना चाहते, नहीं, हम तुम्हें इसलिए ये बात बता रहे हैं क्योंकि जिस घर में राम की पूजा होती है उस घर के रक्षक श्री हनुमान हो जाते हैं ताकि तुम्हारी सब अलाए बलाए दूर रहे। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी राम के द्वार के रक्षक हैं और राक्षसों के भक्षक हैं। हनुमान जी क्या है? राम द्वार के रक्षक, राक्षसों के भक्षक। इसलिए अगर आप भी अपने द्वार पर हनुमान जी की लीला और कृपा को पाना चाहते हो तो अपने घर को राम मंदिर बनाओ और घर के अंदर रघुनाथ जी को बैठाओ, फिर आपके घर के द्वार पर श्री हनुमान जी का पहरा हो जाएगा। अच्छा, रामायण क्यों कह रहे? अरे जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का। वहीं बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार को लेकर निशाना साधा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बाबा ने बिहारियों को गाली देने का काम किया है, धीरेन्द्र शास्त्री देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बिहार में अगर किसी का राज है तो वो कृष्ण का राज है। बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो है वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए, वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। अरे तो कार्यक्रम चल रहा है तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है, जो आयोजक जो व्यवस्था किया है आप देख रहे कि पूरा, और जो जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा।
अब देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बाबा तो नहीं है बिहार में, राम राज नहीं है बाबा बोल, बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे और राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश है, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कृष्ण एक ये भी बात हम बता दे, हनुमान जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के छतरी पे थे। जब महाभारत जो चल रहा था तो उसी में थे हनुमान जी भी ऊपर। तमाम भाजपा के नेता पहुंचे हुए हैं उनके दरबार में, क्या लगता है इसको लेकर? ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से, इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर, तो भगवान को भी महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र चला। तो सुदर्शन चक्र तो जनता ने कर्नाटक में रिजल्ट देवे किया कि भाजपा छितर बितर हो गया। बाबा यहाँ आपका आया और वहां हरवा दिया अपना भाजपा को। बिहार में बागेश्वर बाबा पर सियासी लड़ाई जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश और तेजस्वी पर बड़ा अटैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश तेजस्वी सिर्फ वहां जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती है। नीतीश इफ्तार में जाते हैं लेकिन बागेश्वर से दूरी बनाई है। मुझे लगता है कि नीतीश जी की सरकार और नीतीश जी चाहे उनके टीम के उप मुख्यमंत्री बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा में आयोजक ने अपना फर्ज पूरा किया। जो ना आए वो उसकी मर्जी, लेकिन आयोजक को थोड़ी भूल हो गई। आयोजक को पता होनी चाहिए ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा को, हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। एक सरकार तुष्टिकरण की सरकार है, ये सरकार मुस्लिम परस्त सरकार है, ये सरकार इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। मुझे लगता है कि ये सरकार वही है आज जो कर्नाटक में हुई। देश की जनता, कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो मुझे याद आ गया अपना बिहार बाय इलेक्शन अररिया का। जब रिजल्ट के बाद यहाँ भी जिंदाबाद, यहाँ भी फुलवारी में PFI 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी योजना बना रही थी। यही नीतीश कुमार की कामकाजी सरकार है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार को लेकर जो सियासत हो रही है वो तो आपने देखी, लेकिन इससे दूर इस वक्त भी बाबा बागेश्वर का लाइव दरबार चल रहा है। पटना के नौबतपुर में भक्तों की भारी भीड़ है। तस्वीरें आप सीधे वहां से लाइव देख रहे हैं जहां पर ये इस वक्त हनुमंत कथा का कार्यक्रम चल रहा है। पवन सुत गया श्री
सामने पहले छोटे हैं, लेकिन जब मां ने कहा बेटा क्या सब बानर तुम्हारे जैसे हैं, तो हनुमान जी ने विशालकाय विराट रूप धारण कर लिया। इतना बड़ा रूप धारण किया कि जो माता जानकी जी नीचे देख रही थी, ऊपर देख रही कि कौन हो, हनुमान जी बोले हम। जहां माता जानकी जी ने विराट रूप देखा, और हनुमान जी ने दो जगह विराट रूप का धारण किया है। कब? एक जब लंका हनुमान जी जा रहे थे, जामवंत जी ने जब कहा हनुमान राम काज लगी तब अवतारा, सुन तही भया ऊपर बताता, सुन तही भया ऊपर बताता, सुन तही भया ऊपर बताता, सुन तही भया ऊपर बताता। तो ये बाबा के दरबार की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब कुछ तस्वीरें आपको वो दिखाते हैं जब बाबा बागेश्वर होटल से निकलकर पटना के महावीर मंदिर पहुंचे थे। बाबा बागेश्वर ने मंदिर में हनुमान जी की पूजा की, उनकी आरती उतारी। यहां भी बाबा की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े थे। तो तस्वीरें आप उस महावीर मंदिर की देख रहे हैं जहां पर बाबा बागेश्वर आज पहुंचे थे। कथा में शामिल होने से पहले वो मंदिर गए और वहां पर जाकर उन्होंने हनुमान जी की पूजा की और वहां पर जाकर आरती उतारी। किस तरीके से बाबा का वहां पर अभिवादन हुआ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले पूजा अर्चना उन्होंने की और उनकी झलक पाने के लिए वहां भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। तो दरबार में आने के लिए तो लोग भीड़ आ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा की झलक जहां भी मिल जाए वहां पर ही भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। तो लगातार बाबा पटना में बने हुए हैं। पिछले चार दिन से वहां पर हनुमंत कथा चल रही है, आज का ये चौथा दिन है और कल का वो आखिरी दिन होगा जब बाबा पटना से रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पटना में ये माहौल देखने को मिला है वो अपने आप में बेहद अद्भुत है। हनुमान जी तुम हो पवन पुत्र, तुम्हारे अंदर है अपार बल, इसलिए जाओ लंका। हनुमान जी बोले हम अपनी फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। आप जामवंत जी का दिमाग खराब हो गया कि ये तो जा ही नहीं रहे, क्या किया जाए। तो देखो हनुमान जी कब उठे, जब जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा हनुमान जी उठ जाओ, हनुमान जी बोले नहीं उठेंगे, जाओ हमने कह दिया नहीं उठेंगे, सो नहीं उठेंगे। तब जामवंत जी बूढ़े हैं, अब बूढ़ों को बुद्धि बहुत तेज होती है, इसलिए जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा अरे वीर बजरंगबली राम काज लगी तब अवतारा, सुन तही भया ऊपर बताता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम हे राम दूत हनुमान, तुम्हारा अवतार बैठने के लिए नहीं हुआ, फिर अरे तुम्हारा अवतार तो राम काज के लिए हुआ। हनुमान जी ने जैसे ही राम काज सुना सोई हनुमान जी विराट हो गए। बोलो वीर बजरंग बली की जय। इसका मतलब आहा हा, जब भी भगवान का काम आवे तो दिल खोल कर बड़े हो जाना चाहिए, दिल भी बड़ा कर देना चाहिए और हृदय भी बड़ा कर देना चाहिए, तन मन धन तीनों को अर्पण कर देना चाहिए। दूसरी बात, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग होवे तब लघु नहीं बड़ा बनना चाहिए और दिल खोलकर अपने आप से आगे आकर के उसमें सहभागी बनना चाहिए, वही हनुमान का दूत कहलाता है। और जो ऐसा ना करो सो समझ जाओ भूत है, जिंदा जिंदा भूत, वो नहीं है राम का दूत, हनुमान का दूत नहीं है जो भगवान की कथा को देख करके परेशान हो जाए। ना 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 ना, ना। वह दूत नहीं है राम जी का हनुमान जी का, वो तो है जिंदा भूत। राम जी का हनुमान जी का वही है दूत जो भगवान की कथा को सुनकर के प्रसन्न हो जावे।
आ हा हा ना 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 ओ हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया आहा इतना बड़ा रूप बनाया मन संतोष सुनते कबीबानी भगति प्रताप तेज बलसानी मन संतोष सुनते कबीबानी भगति हनुमान जी पर माता जानकी जी प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बाबा बागेश्वर आज पहले अपने होटल से निकले उस दिव्य दरबार में जाने के लिए जहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उसके बाद भक्तों की भारी भीड़ लगातार बाबा की गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आई। किस तरीके से बाबा की गाड़ी के साथ साथ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाबा सनरूफ से निकल कर भक्तों का आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और कुछ लोगों ने बाबा को पगड़ी भी पहनाई, बाबा का फूल माला से स्वागत भी किया। नीतीश चंद्रा हमारे संवाददाता ने बाबा की एक झलक पाने के लिए आए कुछ और भक्तों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। गाना गा रहे हैं, वहां सामने बैठे लोग तो उनको देख रहे हैं, लेकिन जो बाकी के दो पंडा हमारे साथ ऐसी ही कुछ महिलाएं हैं जो कई दिनों से लगातार यहां पर आती हैं, किसी दिन को अच्छे से मौका मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता, लेकिन आज मैं देख रहा हूं हर कोई जो है काफी खुश है, बहुत खुश है, दर्शन हो गया। बहुत अच्छे से आज दर्शन हुआ, मैं कल भी आई थी लेकिन समय से हम बाबा से दर्शन हुआ सर और बहुत ही अच्छा से दर्शन हुआ, बाबा का आशीर्वाद भी रहा और हम लोग सब आदमी मिल करके पूरे हिंदुस्तान के आदमी हम सनातन धर्म बनाएंगे और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप लोग क्या यहीं की रहने वाली हैं, बाहर से आई? यहीं की रहने वाली हैं। कितने देर से इंतजार कर रही हैं? हम लोग 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। देखने का मौका? हाँ मिल गया सर। बहुत भरोसा? हाँ बहुत भरोसा। इतना भरोसा है बाबा में? सब चीज इच्छा जो उनका लोग मीडिया वाले भी बाबा को मतलब परखने की वजह से कई बार उनका टेस्ट लेने गए, लेकिन उनको पहले ही उनका पर्चा बन जाता था क्या कि आप उनका भाई उनका परीक्षा लेने टेस्ट लेने आए हैं, लेकिन उनका पर्चा पहले से वो तैयार। आपको तो आने में बड़ी दिक्कत हुई होगी, कहाँ से आई? बिहार से आए जी। दर्शन हो गया जी आपका? हमको भी हो गया सर, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ, अच्छा लगता, बहुत अच्छा, सामने से एकदम देखे बाबा को। हाँ बहुत। बताइए मैडम, ये बाबा में इतना भरोसा लोगों को आखिर क्यों है? आस्था बन जाता है ना किसी में, तो वही आस्था बन गया है उनमें सबका, इसीलिए सब इतना भीड़। तो हमको लगता है कोई मिनिस्टर में भी जीता नहीं रहता है उतना इनकम में भीड़ भाड़ है। किसी मिनिस्टर में की रैली में भी इतनी भीड़ नहीं है और किसी फिल्म स्टार के लिए भी इतनी भीड़ यहाँ नहीं जुटी है? नहीं हो सकती है, सबको अच्छा से दर्शन करते हैं। और ये बताइए आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं? जी जी, मैं वहाँ तरेतपाली में गई थी बाबा के दरबार में अर्जी लगाने, तो मेरी अर्जी बाबा ने सुन ली और मैंने बोला था कि मैं बेटे का एडमिशन हो जाए MBA में, तो उसका रिजल्ट निकल गया कल। लंदन से भी एक गुरुजी आ गए हैं, हम लोग तो आते ही हैं और बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए कई लोग दूर से भी आए हैं। आप कहाँ से आए बाबा और क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि बिहार की धरती पर पहली बार आया और जो हमारे बागेश्वर सरकार हमारे छोटे भैया ने जो कार्य किया वो ऐसा कार्य किया कि जिसके माध्यम से सनातन जो धर्म है, सनातन हिंदू राष्ट्र की जो बातें कर रहे हैं उनका पूर्ण सहयोग बिहार की जनता ने दिया है, उसका प्रमाण पत्र है। कहां से? तो 40 डिग्री से भी ज्यादा का तापमान था जब आज पटना में ये लोग बाबा की कथा सुनने के लिए पहुंचे, उनकी बातें आपने सुनी। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी बाबा बागेश्वर को निशाने पर लिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बाबा बागेश्वर कौन चीज है? लालू यादव ने कहा कि कौन है बागेश्वर बाबा? बागेश्वर पर
लगातार सियासत जारी है और इसी बीच लालू प्रसाद यादव से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी बाबा बागेश्वर पर सवाल उठा दिए और इस वक्त भी बाबा का दरबार जारी है। ये लाइव हनुमंत कथा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बाबा पिछले 4 दिनों से डटे हुए हैं, कल का वो आखिरी दिन होगा और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं जो बाबा की कथा में शामिल होने के लिए आए हैं। तेजस्वी यादव ने भी बाबा बागेश्वर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां जनता का फायदा नहीं वहां मैं नहीं जाता। आपको भी बागेश्वर बाबा में जाइएगा तेजस्वी जी। एक बात समझिए, हम खुद ही व्यस्त हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। तो तेजस्वी यादव ने तो ये साफ कर दिया कि बाबा के दरबार में नहीं जाएंगे, अब आपको सीधे वहीं पर लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त बाबा के हनुमंत कथा जारी है। आगी देख सुंदर फल रूखा, जो सामने रावण की वाटिका में फल लगे हुए हैं उसी को खाने का मन है। माता जानकी जी बोली ना 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 ना, ना वहां मत जाना ना। हनुमान जी बोले क्यों? सुन सोते करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरभारी। बेटा बड़े बड़े राक्षस रखवारी करते, तुम जाओगे रावण को पता लग जाएगा, तुम छोटे से हो, राक्षस आतताई है, मार डालेंगे, मारेंगे। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले माता तिन्ह कर भय, माता मुए नाही। मां हमें उनका भय नहीं है, वो क्या करेंगे। एक बात बोले, डरते वो हैं जिनके सिर पर कोई नहीं होता, जिनके सिर पर राम जी होते हैं उन्हें लंका तक भी शंका नहीं होती है। दूसरी बात, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, तो फिर डरना क्या है? देखना, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, फिर डरना क्या, क्या टेंशन। डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो आपौ धनी हो जाओ। तीसरी बात, संसार से डरना भी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा आपको डर नहीं लगता इतने विवाद होते हैं? हमने कहा हमको तो डर नहीं लगता, विवादों को डर लगता होगा कि हम में इतने विवाद हैं। बोले आपको डर क्यों नहीं लगता? हमने कहा सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना है? हमारे सिर पर राम जी हैं, सिर पर हनुमान जी हैं, हमें क्या डरना है? तो हनुमान जी कहते मां तिन्हे कर भय, माता मुही नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। चौथी बात बोले, बिहार के पागलो, एक बात याद रखना, दो पांव वाले से क्या डरना, डरना ही है तो हजार हाथ वाले से डरना। दो हाथ वाले से क्या डरना, डरना ही है तो हजार हाथ वाले से डरना कि कोई पाप ना हो जाए। हजार हाथ वाले हैं परमात्मा, जिनके हजारों हाथ हैं, हजारों भुजाएं हैं, ऐसे परमात्मा से डरो, संसार वालों से क्या डरना। ये बाल बांका नहीं कर सकते,
क्या? ये तो सिर्फ कहेंगे, हनुमान जी के भक्त तो राम की भक्ति करते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।